नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रियोल्स की, ठीक है। सेंट्रियोल्स भी उसी साइटोस्केलेटन का एक पोर्शन समझ लें, लेकिन थोड़ा सा एडवांस होता है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस होगा क्योंकि इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है और फंक्शन भी डेफिनेटली जो है वो डिफरेंट होता है। तो हम बात करते हैं जी इसकी, तो ये 9+3 अरेंजमेंट में होता है, 9+3 माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट हो गई है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो थी वो जो पाइप थे होलो स्ट्रक्चर, ठीक है, वो अब सेंट्रियोल बनाएंगे, ठीक है, सेंट्रियोल बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखे डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ से जो है वो एक दूसरा कलर पे कर लेता हूँ, येलो कलर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें एक दो और तीन, तीन प्रोटीन अटैच है, ठीक है, ये देखें एक ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली और तीन, ये तीन हो गई। अब देखें ये तीनों तीन जो है वो कितनी नंबर मौजूद हैं, तो एक ये दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ, ठीक है, ये कितने नंबर में मौजूद हैं, नौ नंबर में मौजूद हैं, यानी कि तीन तीन की जोड़ियां जो है, जोड़ी तो है नहीं, ये ट्रिपलेट इसे कहते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट जो है वो नाइन नंबर में मौजूद है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, 9+3 अरेंजमेंट कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, 9+3 अरेंजमेंट कहेंगे किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो क्या होंगे, 9+3 अरेंजमेंट में मौजूद होंगे। और एनिमल सेल्स की बात करते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं और लोअर प्लांट्स की बात करते हैं, जिस तरह मोसेस हो गए, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में किस तरह से, ये सेल के अंदर इस तरह से मौजूद होते हैं, ठीक है, और उन्होंने इनको ड्रा भी इसी तरह से किया जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के राइट एंगल यानी कि 90 एंगल के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, ये जो माइक्रोट्यूबुल हैं ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं और जब से न्यूक्लियस और कहां में मौजूद है, न्यूक्लियस के करीब मौजूद होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के करीब मौजूद होंगे, पेयर्स की फॉर्म में इस तरह से ऊपर नीचे पड़े हुए होंगे। और जब क्या होगा कि सेल की डिवीजन होना शुरू हो जाएगी, सेल की डिवीजन होना शुरू होगी तो ये जो है दोनों अपोजिट पोल में चले जाएंगे और अपोजिट पोल में जाने के बाद इसमें से क्या होगा, माइक्रोफिलामेंट जो है यानी स्पिंडल फाइबर जो है वो रिलीज होंगे, ठीक है। और ये क्या है, हायर प्लांट्स जो है, बड़े प्लांट्स जो है उनके अंदर एबसेंट होगा, ठीक है, उनके अंदर जो है ये एबसेंट होगा सेल डिवीजन, सीलिया और फ्लैजेला फॉर्मेशन में इनका जो है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी ये बनते कहाँ पर है सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर बनते कहाँ पर है, तो उसके लिए मौजूद होता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ वही बात मैं बता रहा हूँ कि ये जो पांच नंबर पर है इसमें क्या है कि ये बनते कैसे हैं, इनको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो उसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, एमटी माइक्रोट्यूब्यूल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, सी फॉर सेंटर्स कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इनको डिजाइन करते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। और ये सेल के अंदर क्या काम करते हैं, सेल डिवीजन के में जो है मदद करते हैं, सीलिया फॉर्मेशन एंड फ्लैजेला फॉर्मेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है।